इसी का 19वां पद देखिए, इसी का 19वां, 5:19। यहां पे बाइबल क्या बोलती है, जब एक ही व्यक्ति के अपराध के कारण बहुत से लोग या सारे लोग पापी हुए, तो एक व्यक्ति के धार्मिकता के कारण सारे लोग धर्मी होंगे। फिर से मेरे साथ बोलिए, जब एक व्यक्ति के अपराध के कारण सारे लोग जब पापी हुए, तो एक व्यक्ति के धार्मिकता के काम के द्वारा सारे लोग धर्मी होंगे। अब इसे ध्यान से समझिए, बाइबल क्या बोल रही है, आज मैं और आप, हम पापी इसलिए नहीं है कि हम पाप करते हैं, हम पापी इसलिए हैं क्योंकि आदम ने पाप किया। समझ पाए आप, हम पापी इसलिए नहीं है कि हम पाप कर रहे हैं, हम पापी इसलिए हैं क्योंकि आदम ने पाप किया, आदम और हवा ने, और उन लोग पाप किए, उनके बाद जो जनरेशन पैदा होते गई वो सिंफुल जनरेशन थी, पापी जनरेशन थी। अब जब आदम के पाप के कारण हम पापी हुए, तो मेरे साथ आप बात करिए, तो क्या हमारा कोई भी अच्छा कार्य इस सत्य को झुठला सकता है कि हम पापी हैं? वह बात करिए मुझसे, चर्च में आप बात करेंगे, प्रभु आपसे क्रोधित नहीं होंगे। We are learning from God's word. यदि आदम के पाप के कारण हम पापी हैं और ये सत्य है कि हम आदम के पाप के कारण पापी हैं, तो क्या हमारा बहुत अच्छा काम, दान देना, दान दक्षिणा करना, चर्च साफ करना, क्या हमको धर्मी बना सकता है? नहीं। मतलब हम एक व्यक्ति के अपराध के कारण पापी हुए, हमारे ऊपर टैग लग गया कि हम पापी हैं, और हमारे जीवन का कोई भी अच्छा काम हमको धर्मी या पवित्र नहीं बना सकता। हम इस टैग को या इस नेम प्लेट को हम लेकर के जीवन पर घूम रहे कि हम पापी हैं आदम के पाप के कारण, और हमारा कोई भी अच्छा कार्य इस चीज को नहीं झुठला सकता। सहमत है आप? अब ध्यान दीजिए, जब एक व्यक्ति के कारण जब इतना प्रभावशाली हुआ कि हमारे माथे पर पाप का टैग लग गया, तो बाइबल आगे भी कुछ बोलती है कि एक व्यक्ति के धर्म के कारण सारे लोग धर्मी होंगे। तो ये चीज को भी हम नहीं झुठला सकते कि यीशु मसीह ने धर्म का काम किया क्रूस में, उसके लहू के द्वारा आज मैं और आप हम धर्मी घोषित हो चुके हैं क्योंकि हम यीशु की आत्मा के द्वारा पैदा हुए हैं। तब मुझे ये बताइए कि क्या हम इस सत्य को झुठला सकते हैं अपने पाप करने के द्वारा, अपने गलत काम करने के द्वारा, कि अब हम धर्मी नहीं, हम वापस से पापी हो गए हैं? नहीं। जिस प्रकार से, फिर से समझिए, आदम ने पाप किया उसके कारण हम पापी कहलाए, और हमारे जीवन का कोई भी अच्छा काम हमको धर्मी नहीं बना सकता, हम पापी ही कहलाएंगे। उसी प्रकार से यीशु मसीह ने हम धर्म का काम किया, हमको धर्मी बनाया, और यीशु के धर्म के काम के कारण हम धर्मी बने हैं। तो हमारे जीवन का कोई भी गलत काम वापस से हमको पापी नहीं बना सकता, क्योंकि आदम का कार्य इतना पावरफुल नहीं था जितना यीशु का कार्य पावरफुल था। एंड दिस इज बाइबल, ये परमेश्वर का जीवित वचन बोल रहा है। रीड इट फॉर योरसेल्फ, मैंने इसलिए आपको पढ़ाया। ये प्रभु यीशु मसीह ने मृतकों के बंधन से जीवित होकर के मेरे और आपको ये विक्ट्री दी है।